कोरिया जिले के कलहारी इलाके में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो, जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। इस शिविर का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना था। जिले के केलहारी स्थित हाई स्कूल प्रांगण में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केलहारी के नजदीक बसे गांवों के सैकड़ों लोग शिविर का लाभ लेने पहुंचे। इस शिविर को जनता का बेहतर प्रतिसाद देखने को मिला और 2000 से भी ज्यादा लोग शिविर में पहुंचकर निशुल्क जांच करवाने के साथ ही अन्य स्वास्थ्य लाभ लिया। विशेषज्ञों की उपस्थिति में हृदय रोग, डायबिटीज, शिशु रोग, फिजियोथेरेपी, मानसिक रोग, शिशुवती व गर्भवती माताओं की जाँच और विभिन्न रोगों की जाँच, मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में प्रमाण पत्र, दवा वितरण, सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे लोगों को शिविर में मिली। विकलांग जनों का परीक्षण कर 40% या अधिक विकलांगता धारकों को निशुल्क चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। साथ ही डिजिटल हेल्थ कार्ड एवं आयुष्मान भारत स्मार्ट कार्ड का वितरण भी किया गया। आज दूरस्थ क्षेत्र में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जिले के डॉक्टर और बाहर से भी डॉक्टर आए हैं और जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी का इलाज और ट्रीटमेंट यहां पे किया जा रहा है और टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको निशुल्क रूप से दवाई का वितरण भी किया जा रहा है और ऐसे हितग्राही जिनका किसी कारण से दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना था, तो मेडिकल बोर्ड भी यहाँ पर बैठा है, जिससे कि उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे हितग्राही जिनको मोटराइज ट्राईसाइकिल या अन्य दिव्यांग उपकरणों की आवश्यकता थी, उनका भी वितरण किया गया है। आज के शिविर का जो मुख्य उद्देश्य रहा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचे और उनका लाभ सभी तक पहुंचे, उसी को ध्यान में रखते हुए आज केलहारी में इसका आयोजन किया गया है। विधायक गुलाब कमरो ने बताया कि प्रदेश के मुखिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए हाट बाजार क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। वही जो काम प्रदेश की 3 बार की सरकार नहीं कर पाई, उसे हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा 3.5 साल में कर दिखाया और लगातार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में बाहर से भी डॉक्टर आए हुए हैं, जिन्होंने निशुल्क परामर्श व दवाई का वितरण किया। देखा होगा 15 साल की सरकार एक तरफ, 3.5 साल की सरकार, आप जनकपुर में चले जाइए, आप देखेंगे आप वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है 36 लोगों का, डिलीवरी ऑपरेशन होगा, आँख का ऑपरेशन हो रहा है। आज यहाँ पर लगातार देखेंगे, चाहे किसानों का सम्मेलन होता है, आपके नौजवानों का सम्मेलन होता है, महिलाओं का सम्मेलन होता है आज। लेकिन आपने देखा जाति प्रमाण पत्र वन अधिकार का पट्टा का हुआ, लेकिन आपने देखा बड़े स्तर में आज स्वास्थ्य मेगा कैंप किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे बाहर से डॉक्टर आए हुए हैं, यहाँ पर इको हो रहा है, यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रकार के मरीजों का आज इलाज हो रहा है, यहीं पर इलाज होने के बाद चेकअप हो रहा है, ब्लड भी डोनेट हो रहा है। तो आप सबको देखेंगे कि बहुत बहुत बेहतर सुविधा हो रहा है, लोगों को दवाई मिल के जा रहा है, इसके साथ साथ खाना खा के जा रहे हैं। तो कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ग्राम के अंतिम छोर में बसे व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।